फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तर्शमम ब्लॉग पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मशरूम मटर की रेसिपी। तो आपको यदि ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर मशरूम मटर बनाने के लिए लिया है 200 ग्राम मशरूम, जिसको मैंने धो के कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और मैंने लिया है 250 ग्राम मटर, थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया कटा हुआ, और एक लिया है मैंने कटा हुआ प्याज, दो चार काली लहसुन के लिए छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है, एक टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा साबुत जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और लिया है सरसों का तेल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल डालने के बाद, तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें लहसुन और अदरक को थोड़ी देर भून लेना है। अब मैं इसमें मिला देती हूँ कटी हुई प्याज को, और प्याज को भी थोड़ी देर भून लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें मिला देती हूँ कटा हुआ हरा मिर्च, सारे को अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। अब मैं इसमें लास्ट में डाल देती हूँ टमाटर, और दो मिनट तक इसको ढक के अच्छे से पका लेना है। तो दो मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटाया तो यहाँ पे हमारा जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन अच्छे से भून चुका है। इसको निकाल के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और डाल दिया तेल। अब मैं इसमें मशरूम को फ्राई कर लेती हूँ। मशरूम को मैं दो मिनट तक भून लूँगी अच्छे से। तो दो मिनट के बाद मेरा मशरूम कुछ इस टाइप का हो चुका है, भून चुका है मशरूम। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और सेम कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ बाकी के बचा हुआ तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाए तो इसमें डाल देती हूँ मटर, और मटर को दो मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो ढक के मैंने यहाँ पे दो मिनट तक मटर को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। हमारा मटर बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है, भून चुका है। अब मैं इसमें बाकी के मसाला ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो पेस्ट बना के रखा था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भून के उसको मिला लेती हूँ, और इसको मिलाते हुए पका लेती हूँ। तो दो मिनट के लिए मैंने यहाँ पे ढक दिया था। दो मिनट तक हमने इसको ढक के पका लिया है। अब इसमें मिला देती हूँ सूखे मसाला। तो मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला यहाँ पर हल्दी पाउडर। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छे मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो इस तरीके से मिलाते हुए मीडियम आंच में हमें इसको पका लेना है दो मिनट तक। तो मैंने यहाँ पे दो मिनट के लिए ढक दिया है। तो दो मिनट बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन को हटाया। अब देख सकते हैं हमारा मसाला कितने अच्छी तरीके से पका है, मसालों में से तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें मिला देती हूँ फ्राई किया हुआ मशरूम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दो मिनट तक अच्छे से चला लिया है, अच्छे से पका लिया है। तो अब मैं इसमें मिला लेती हूँ एक कटोरी पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है, अच्छे से पका लिया है। तो मैं इसमें ढक देती हूँ इसको 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन को हटाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब्ज़ी बनके तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। तो सब्ज़ी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब गैस को ऑफ कर देती हूँ और ढक्कन को लगा के छोड़ देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है सब्ज़ी में। तो आपको भी यदि मटर मशरूम खाना पसंद हो तो इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए।
बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका मटर मशरूम कैसा बना है। तो मैं यहाँ पे परोस के दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जी कितना अच्छा बना है, बिल्कुल परफेक्ट कलर, परफेक्ट सब्जी, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में सब्जी हमारा बनके तैयार है। तो आप इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, आपको जो पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं।